सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। ये कहावत आजमगढ़ के एक युवक पर सटीक बैठती है जिसने 6 सीटर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल तैयार की है। दरअसल आजमगढ़ जिले में इन दिनों डीजल और पेट्रोल से निजात पाने के लिए एक युवक ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बाइक तैयार कर दी जो एक नहीं दो नहीं पूरे 6 सीट पर लोगों को बैठाकर मात्र 10 रुपए में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के युवक ने बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल। 6 सीटर है ये इलेक्ट्रिक साइकिल। कबाड़ से बनी है ये साइकिल। आनंद महिंद्रा हुए मुरीद। महंगे डीजल पेट्रोल को देगी मात। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबियत से पत्थर तो उछालो यारो। ये कहावत आजमगढ़ के असद अब्दुल्ला पर सटीक बैठती है। असद अब्दुल्ला ने 6 सीटर इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार की है। दरअसल आजमगढ़ जिले में इन दिनों डीजल और पेट्रोल से निजात पाने के लिए एक युवक ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर दी है जिसमें एक नहीं दो नहीं पूरे 6 सीट पर लोग बैठकर मात्र 10 रुपए में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। ये दावा है आजमगढ़ के एक युवक का। जी, ये दिन ब दिन जो पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं दाम पेट्रोल के, तो वो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी सस्ती चीज़ बनाई जा सके जिससे कि कई लोग एक साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो ये दिमाग में रख के मैंने ये साइकिल बनाई है। जी, इसमें 10 से 12 हज़ार लागत आई है और सारे पार्ट्स जो है इसके सामान मैंने कबाड़ से लेके बनाया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है और अपने से खुद से ही बनाया मैंने। जी, इसमें 1 किलोवाट का हब मोटर है 1000 वाट का, और 1000 वाट का जो इसका कंट्रोलर है, रीजनरेटिव कंट्रोलर है, और इसमें लिथियम फास्फेट बैटरी है जो कि नई टेक्नोलॉजी की है, वो भी पुरानी है, और 48 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी उसमें लगी हुई है, और बाकी मेटल का फ्रेम है जो स्क्वायर ट्यूब का होता है, और पुरानी स्कूटी के फ्रंट और पीछे के व्हील हैं। जी हाँ, आजमगढ़ के एक युवक ने लोहरा फकरुद्दीनपुर गांव के असद अब्दुल्ला का, जो IIT इंजीनियरिंग मैकेनिकल से पास आउट होकर एक ऐसे आविष्कार को किया है जो महंगे डीजल और पेट्रोल को मात देने का काम कर रहा है। इस युवक ने मात्र 12,000 रुपए में कबाड़ से एक 6 सीटर बाइक तैयार की है जिसके बारे में जब महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, तभी से युवक असद की ये बाइक और इसके आविष्कारक चर्चाओं में बने हुए हैं। लड़का 24 घंटा इसका एक काम है बनाना बिगाड़ना। वह हर तरह की चीज बनाता है, इसके पास वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, हर तरह के इक्विपमेंट है और कंप्यूटर है। डेली काम उसका बनाना बिगाड़ना। वो अच्छे से अच्छी चीज़ बना रहा है, बिगाड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हमारी शुभकामनाएं वो आगे बढ़े और हमारा पूरा सपोर्ट है वो आगे बढ़े। असद अब्दुल्ला की माने तो उन्हें इन तरीकों के आविष्कारों को करने का शौक बचपन से ही है और इसके पहले भी वो अपनी KTM बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल चुके हैं। साथ ही साथ छोटे मोटे खिलौनों से लेकर कई ऐसे उपयोगी सामानों का आविष्कार भी किया है। तो वही इलाके के लोगों का कहना है कि बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा कुछ अलग काम करता है और जो समाज के हित के लिए होता है। जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत हमारे गांव के बगल का लड़का है और एक नई चीज बनाया है, नई की यूनिक चीज है, बहुत खुशी की बात है। इससे लोगों को, देशवासियों को, सारे लोगों को एक सुविधा होगी, पेट्रोल से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगा, तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल से छुटकारा पाने के लिए ये सबसे सस्ता जरिया है और इसे सरकार द्वारा प्रोत्साहित मिलना चाहिए जिससे कि इस तरह की चीजें समाज में लोगों के लिए उपयोगी हो सके। 6 सीटर बाइक पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला भी जा सकता है, वो भी 6 सवारी को लेकर,
और काफी आराम के साथ वो सफर को भी तय कर सकते हैं। अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि वो रजिस्ट्रेशन और पेटेंट की फॉर्मेलिटी को पूरा करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे आम जनता तक हमारा ये प्रयास आसानी से पहुंच सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इस तरह के आविष्कार वो अनवरत रूप से जारी रखेंगे। भविष्य में वो सोलर प्लेन और बहु उपयोगी गैजेट का आविष्कार भी करने की सोच रखते हैं। भारत के युवा इसी तरह से तरक्की करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।